हम मुंबई के ही रहवासी है, पहली बात तो ये आगमन नहीं हुआ, यहीं के रहने वाले हैं। और आज इस भव्य दिव्य नारायण भवन का मुहूर्त का दिन निर्माण हुआ है और ये भाव और ये चाव कि हर एक व्यक्ति सुख शांति से, हर समृद्धि से लबा लब भरा जीवन जी, यही मकसद है, यही उद्देश्य है जीवन का। दीदी, आज ये भवन का इनॉग्रेशन हुआ, आपके हाथों की खुशी की बात है, और क्या कुछ कहना चाहिए? ये कि आज जितनी हमको खुशी है सबको मिले, सबके जीवन में खुशी का पल आए, ये प्रबल भाव मिलता है। और इसमें कईयों का हाथ है, कईयों का साथ है। आज ये भवन खड़ा हुआ है तो कई लोगों के सहयोग से हुआ है, उन सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं आपका दर्शन करने, कैसा फील करते हैं जब ऐसा कुछ होगा? अच्छा लग रहा है, इतना कहना पर तो कम पड़ेगा। और कितना अच्छा लग रहा है ये बता नहीं सकते। रेकी एक विद्या है जो हम जन जन को सिखाते हैं और उससे आप तन मन धन स्वस्थ कर सकते हैं, संबंधों को स्वस्थ कर सकते हैं, रख सकते हैं। और उद्देश्य यही है हमारी संस्था का कि हर एक व्यक्ति एक सप्त सितारा यानी सरल, सहज, सुंदर, स्वस्थ, सफल, संपन्न और सार्थक जीवन जिए, इस उद्देश्य पर संस्था कार्य कर रही है। इसके बाद और क्या क्या कार्यक्रम है? धन्यवाद नारायण। मुंबई में निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं, अभी देश विदेश में भी है कार्यक्रम। धन्यवाद। चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर, खास करके दीदी का यहाँ पे आगमन हुआ है उसको लेके, और क्या पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में? ये NRSP का एक बहुत बड़ा सपना था कि हम अपना खुद का भवन शुरू करें, तो नारायण की कृपा से वो आज भवन का उद्घाटन है। और आज दीदी यहाँ मौजूद है, पिछले 27 सालों से दीदी अनवरत निरंतर प्रार्थनाओं के माध्यम से लोगों की सेवा कार्य कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश में दीदी के अनुयायी हैं और उन सब की विशेष से आज ये बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। दिन भर अनवरत राम राम की माला चलती रहेंगी, दीदी यहाँ मौजूद रहेंगी, यहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है और सभी यहाँ आएंगे, अपना ब्लेसिंग्स देंगे, भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे और दीदी के ब्लेसिंग्स लेंगे। नारायण, रेकी संस्था का परिवार जो है वो किस प्रकार से काम करता है और क्या उसका उद्देश्य है? नारायण रेकी सत्संग परिवार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तन मन धन संबंधों से स्वस्थ हो, हर घर में सुख शांति समृद्धि हो और हर व्यक्ति उन्नति प्रगति सफलता प्राप्त करे। अगर ऐसी दुनिया बन जाती है, हमारा उद्देश्य एक ऐसी दुनिया बनाने का है जहाँ हर व्यक्ति संबंधों से, तन से, मन से, धन से, संबंधों से स्वस्थ हो, और उसमें हम निरंतर प्रयासरत हैं। संपूर्ण विश्व में हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, इंडिया में हमारे 70 से भी अधिक सेंटर हैं, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में भी हमारे सेंटर्स हैं जहां हमारी साधिकाएं हैं जो निरंतर प्रार्थनाएं जल के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं। हमारे कुछ कोर्सेज भी होते हैं जिसमें हम अपनी टेक्निक सिखाते हैं कि किन टेक्निक के माध्यम से आप पॉजिटिव रह सकते हैं और पॉजिटिविटी के माध्यम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज का पूरा कार्यक्रम क्या क्या है? आज के पूरे कार्यक्रम में जैसे अभी आपने देखा इनॉग्रेशन हुआ, इसके बाद पूरे दिन एक एक घंटे पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, निरंतर राम नाम का जाप है,
और साथ में भोजन प्रसादी की व्यवस्था है सुबह से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे, जहाँ लोग दीदी का आशीर्वाद भी लेंगे और दीदी भी लोगों की ब्लेसिंग्स देंगे। आपने देखा होगा दीदी बहुत ही विनम्र हैं और उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके लोगों का आशीर्वाद दिया। नारायण नारायण। थैंक यू। राजनीति के सानिध्य में नारायण रेखी सत्संग परिवार करीबन पिछले 30 साल से कार्यरत है। इसमें हमारा जो परिवार है वो प्रार्थनाओं के लिए जाना जाता है, सामूहिक प्रार्थना। तो उसमें जिसको भी जो भी जिसकी मनोकामना होती है उसके लिए प्रार्थनाएं होती हैं। दीदी के सानिध्य में बहुत सारी गतिविधियां चलती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हेड है अंजू जी टोटी, एक्यूप्रेशर डिपार्टमेंट की हेड है दीप्ति जी शुक्ला, प्रेयर डिपार्टमेंट की मोना जी राउका। इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां दीदी के सानिध्य में चलती है। योगा का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। नारायण नारायण। ये नारायण रेखी सत्संग परिवार का बहुत बड़ा सपना था जो आज पूरा होने जा रहा है, अद्वितीय है। ये खुशियाँ शब्दों में जाहिर नहीं की जा सकती है। सभी उत्साहित थे, काफ़ी दिनों से जगह देखी जा रही थी और आज ये संयोग आया है। आज ये हमारे नारायण रेखी सत्संग परिवार के बहुत बड़ा दिन है और ये जगह के माध्यम से सत्संग चलते रहे और समाज की सेवा होते रहे, ये हमारी इच्छा है। नारायण रेखी संस्थान आज कई दशकों से ये शुभ काम में लगा हुआ है और पॉजिटिविटी लोगों को पहुंचा रहा है, लाखों लाखों परिवारों को इससे फायदा हुआ है और आज एक बहुत ही उच्चतम पड़ाव की नारायण भवन का उद्घाटन हुआ दीदी के हाथों और इसके बाद से अब ये और अपने प्रचार के अंदर और भी जोर शोर से जुटेंगे और बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है इस कार्यक्रम में और कितनी खुशी की बात है आज। आज सबके घर खुशियों से भर रहे हैं तो सब लोग और भी अच्छे जोर शोर से इसमें प्रोत्साहन कर रहे हैं। आप कुछ कहेंगे इस खुशी को लेकर, कुछ जाहिर करना चाहेंगे कितनी खुशी की बात है आज इनॉग्रेशन खास करके दीदी का है। इतना अच्छा मौका है और इससे और सबकी बढ़ोतरी होगी, सबकी जिंदगी में और खुशहाली अब आएगी, जितनी आई है उस सब ज्यादा आएगी। और कितनी खुशी की बात है नारायण रेखी सत्संग परिवार के। देखिए हम इस सेवा के प्रोजेक्ट में बहुत सालों से लगे हुए हैं, 3 से ज्यादा डिकेड हो गया है और ये एक बहुत बड़ा हमारा सपना था, हमारी दीदी का सपना, हम लोगों का सबका सपना कि ये हम ऐसा काम जो कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए और इसको एक्सपेंड करने के लिए और बहुत लोगों के जीवन में एक हैप्पीनेस लाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए और ये सेवा का जो प्रकल्प है उसका ये भवन का आज जो शुभारंभ हुआ है ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है सब लोगों के सपोर्ट से, सब लोगों के कंट्रीब्यूशन से और हमारा ये जो सपना है आज उसको हम कंटिन्यू करके सब लोगों की सेवा में किस तरीके से हम लोग दिन प्रतिदिन सहयोग देते रहे यही कामना करके हम सबको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद। हम लोग एक स्पार्कलिंग स्टार्स के को बच्चों को की कोर्स लेते हैं जिसका नाम है फाउंडेशन टू सक्सेस। ये राजदीप जी का डिजाइन किया हुआ कोर्स है, ये हमारी टीम है जो ये कोर्स कंडक्ट करती है। आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग को एक अपना एक भवन मिल गया है। नारायण नारायण। आज हमारा शुभ दिन है, शुभारंभ हो गई है और हमारी ये कामना है कि हम इस माध्यम से देश के हर बच्चे को पॉजिटिविटी का संदेश दें ताकि वो खूब उन्नति प्रगति सफलता प्राप्त कर सके। नारायण नारायण। मैं कविता शेट्टी, हम लोग बच्चों को ये करते हैं और हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि 17 ईयर के भी लोग के जो भी बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और दीदी का टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं।
मेरा नाम है प्रीति टिपलवार। हम बच्चों को जो देना चाहते हैं कि चाहते हैं दीदी का सपना है कि सतयुग आए, तो वो सपना हमारा साकार होने जा रहा है, सतयुग का आगमन हो रहा है और ये भवन के निर्माण से तो सच में लग रहा है कि बहुत ही जल्दी वो हमारा सपना साकार हो जाए। जो हमारा था कि 10,000-15,000 पर स्पार्कलिंग स्टार हो, वो हमारा बहुत जल्दी सपना पूरा हो जाए। थैंक यू नारायण।